Hey guys, this is Shelly Chikara and welcome back to my channel again. So today I'm gonna show you how to do back workout at home, that too without any fancy gym equipment. So let's get started. So before getting started, I just wanted to tell you something. Back is the second largest muscle of your body. आपका जो first largest muscle है, that is your leg muscle. So आपके जो daily के रोजमर्रा के काम होते हैं उसमें back का बहुत ही बड़ा role होता है. वन बाय वन मैं आपको दिखाऊंगी हम घर पर रहकर ही कौन कौन से बैक के वर्कआउट कर सकते हैं. तो स्टे ट्यून्ड, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में एक बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दें. लेट्स गेट स्टार्ट. तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ अपने जिम इक्विपमेंट. ये है ट्रैक्टर का टायर. मेरे पास सारी ट्रैक्टर की चीज़ें ही अवेलेबल हैं बिकॉज और कोई हैवी चीज़ मेरे पास अवेलेबल नहीं है. मैं हैवी लिफ्टिंग पसंद करती हूँ और आपके घर में भी आपकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ अवेलेबल हो, जो आपको हैवी लगती हो उसे आप लिफ्ट कर सकते हैं. तो मेरे पास अभी ये चीज़ें अवेलेबल हैं. ये जो लोग बिगनर्स हैं वो ATI यूज़ कर सकते हैं. ये भी ट्रैक्टर का इक्विपमेंट है. ये थोड़ा कम वेट है, इससे मैं करूँगी लैट पुल डाउन. ये हमारा ट्रैक्टर का टायर है. तो लेट्स गेट स्टार्ट. So our first exercise will be deadlift, which is my personal favorite. So deadlift करने के लिए basically मैंने इसे एक trap bar की तरह use किया है, जिसमें मैंने tractor का ही एक equipment लिया है और उसे मैंने tire के अंदर fix किया है. Deadlift करते हुए आपको अपने दोनों पैरों को अपने hips के equivalent रखना है, then alternate grip लेते हुए back को perpendicular to floor रखना है and then lift. डेडलिफ्ट वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर योर होल बॉडी. डेडलिफ्ट आपके मैक्सिमम मसल्स यूज़ करता है. यह आपके बैक के मसल, लेग के मसल, ट्रेपीजियस, आपके हैंड्स के मसल, और यह आपकी हेल्प करता है आपकी कोर स्ट्रेंथ को डेवलप करने में. इसके अंदर आपकी बहुत सारी कैलरीज बर्न होती हैं, तो यह आपके फैट लॉस में भी हेल्प करता है. नाउ आवर सेकेंड एक्सरसाइज विल बी क्रॉसफिट टायर टेक्निक. क्रॉसफिट से मतलब है कि आप हर तरीके से फिट हों. अगर आप इस एक्सरसाइज को ध्यान से देखोगे तो ये एग्जैक्टली डेडलिफ्ट की तरह दिखती है. आप उसी तरह से पुल कर रहे हो. तो डेडलिफ्ट से मतलब है कि बेसिकली आपको चीज़ों को लिफ्ट करना है और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं ताकि आप अपनी डे टू डे लाइफ में अच्छे तरीके से सर्वाइव कर पाओ. इसलिए डेडलिफ्ट इज़ इम्पॉर्टेंट. थर्ड एक्सरसाइज इज बेंट ओवर रो. सो बेंट ओवर परफॉर्म करने के लिए बेसिकली आपको अपने पैरों को अपने हिप्स के पैरेलल रखना है और नीचे बैक को स्ट्रेट करते हुए आपको बारबल को सीधे चेस्ट की साइड पुल करना है. नाउ फोर्थ एक्सरसाइज इज बाइसेप्स कर्ल. सो गाइज, अगर आपके पास टाइम है देन ओनली यू कैन परफॉर्म बाइसेप्स, बट अगर आप बेंट ओवर रो एंड डेड लिफ्ट कर चुके हो तो इट्स नॉट दैट नेसेसरी, बट इट हेल्प्स यू टू इम्प्रूव योर आर्म स्ट्रेंथ और योर बाइसेप्स स्ट्रेंथ. Fifth exercise is pull-ups, which I always include in my back workout because it helps me to improve my overall body strength. Here I have used fitness bands. You can also use the same because it's easy when you do pull-ups with fitness bands. So our final exercise is lat pull-down, which is also my personal favorite. So इसे perform करने के लिए मैंने use किया है एक fitness band जो आप भी purchase कर सकते हो. Amazon पे available है और इतना costly भी नहीं है. So गाइस, बेसिकली अगर आपको टेक्निक की नॉलेज है तो आप घर पर रहकर भी सारे के सारे वर्कआउट परफॉर्म कर सकते हो, दैट टू विदाउट एनी फैंसी जिम इक्विपमेंट्स. अगर आप जिम इक्विपमेंट्स ले सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए बेस्ट सॉल्यूशन है कि आप अमेज़ॉन से फिटनेस बैंड्स ऑर्डर कर सकते हैं. आपके घर पर जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं आप उन्हें यूज़ करके एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हैं. अगेन, जितनी भी एक्सरसाइज हमने परफॉर्म की हैं उसके आपको करने हैं मिनिमम 10 रैप्स विद 4 सेट्स. सो दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर फुल बैक वर्कआउट. सो ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और ऐसे ही मुझे अपना प्यार देते रहें. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी. स्टे ट्यून्ड.